प्रीमियम स्मार्टफोन की श्रृंखला में अपने आप को शामिल करते हुए पिछले साल पिक्सल लॉन्च किया था। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए गूगल ने पिक्सल 2 XL बाजार में उतारा है। 73,000 की कीमत का यह फोन 64 GB मेमोरी के साथ पेश किया गया है, जो बाजार में उपलब्ध एप्पल के आईफोन 8 प्लस को कड़ी टक्कर दे रहा है। एक क्षण में जब आप इस फोन को हाथ में पकड़ेंगे तो इसके लुक और डिजाइन से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। मेटल से बने इस फोन को सॉफ्ट मैट फिनिश दिया गया है, जो इसे बेहद शानदार बनाता है। मैट फिनिश का फायदा यह है कि इससे फोन पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते हैं, यानी इस्तेमाल से फोन पे उंगलियों के निशान से जो धुंध सा प्रभाव आ जाता है उससे बचा जा सकता है। इसमें फोन के फलक भी कम दिखते हैं। 6 इंच लंबे इस मोबाइल का एस्पेक्ट रेशो 18:9 है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 76.5% है। LG ने इसमें सामने स्टीरियो स्पीकर्स लगाए हैं, जो स्मार्टफोन के पीछे दिए गए स्पीकर्स से कई अच्छे गुणवत्ता की आवाज उत्पन्न करते हैं। एक झपकी से फोन को लॉक करने की सुविधा और फिंगरप्रिंट सेंसर को नीचे उंगली से नीचे खिसकाते हुए फोन में आने वाले नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। गूगल ने पिक्सल 2 XL को कैमरे के एक अच्छे फीचर्स के साथ पेश किया है। इसमें एप्पल की आईफोन 8 प्लस की तरह ड्यूअल सेंसर कैमरा नहीं दिया गया है, लेकिन सिंगल लेंस कैमरे की गुणवत्ता ही इतनी जबरदस्त है कि बाजार में मौजूद अनेकों स्मार्टफोनों को पीछे छोड़ता है। इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर आप कम लाइट यानी लो लाइट फोटोग्राफी का मजा लेना चाहते हैं तो यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कैमरे की खासियत ये भी है कि इसमें फोकस स्पीड को कम किया जा सकता है, जिससे आप मनचाही फोटो ले सकते हैं। सामने के कैमरे से लिए गए शॉट से भी उच्च गुणवत्ता की सेल्फी और पोर्ट्रेट शॉट लिए जा सकते हैं। 3520 mAh बैटरी, जिसको एक बार चार्ज करने के बाद 1.5 दिन तक भी चलाया जा सकता है। इसमें गूगल लेंस का प्रयोग किया गया है, जिसके मशीन लर्निंग के इस्तेमाल होने से जगह, गलियां और चीजें पहचानने में मदद मिलती है। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जिस भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं आप, उसकी फोटो क्लिक करनी होगी। गूगल के इस फोन के बारे में ब्लू टिंट समस्या काफी चर्चा में है। यह हमने भी नोटिस किया है कि जब हम फोन को कई एंगल्स में घुमाते हैं तो नीला रंग नजर आता है, और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 से इसकी तुलना करें तो इसके रंग फीके नजर आते हैं। इसके प्रेशर सेंसर, जो कि डिवाइस के किनारे पर लगा हुआ है, वो गूगल असिस्टेंट को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। यह केस ठीक वैसा ही है जैसा HTC U11 में देखने को मिला था। यह देखना काफी निराशाजनक है। यह सिर्फ गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट और इनकमिंग कॉल्स को साइलेंट कर सकता है। वैसे आप इसकी प्रेशर सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं, जिससे इसको जेब से बाहर निकालते समय एक्टिवेट करने से बचा जा सकता है। इसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका कैमरा काफी अच्छा है, समय पर अपडेशन, बेहतर सिक्योरिटी, स्टॉक एंड्रॉयड ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे आईफोन 8 प्लस से बेहतर बनाता है।